अमेठी के शुक्ल बाजार में अहमद अली शाह का सालाना उर्स मनाया गया। आपको बता दें, शुक्ल बाजार ब्लॉक के महोना पश्चिम में अहमद अली शाह की मजार है, जहां हर साल इस मेले का आयोजन होता है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। दो दिन चलने वाले इस मेले में कोई परेशानी नहीं होती, ना कोई किसी से कोई बैर रखता है। जहां एक और दो समुदायों के बीच कई जगह लड़ाई देखने को मिल रही है, लोग एक दूसरे से नफरत करते जा रहे हैं, वहीं अमेठी का ये उर्स उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे मिलजुल कर लोग रह सकते हैं। आपको बता दें, इस उर्स में हिंदू समुदाय के लोग आगे आकर अपने मुस्लिम भाइयों की मदद करते हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि उनके मुस्लिम भाई सभी हिंदुओं के त्योहारों में मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। ये पूरा इलाका मिलीजुली आबादी का है। इस उर्स में शामिल होने के लिए किसी खास पद, कमेटी या फिर ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती। बस जिसका दिल ऊपर वाले की एकता में विश्वास रखता है, वो बिना बुलाए यहाँ खींचा चला आता है। पिछले कई सालों की तरह इस बार भी ये शानदार उर्स हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की, दुआएं मांगी और लंगर में खाना खाया। पेश है इस कार्यक्रम की खास रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं अमेठी जिला के महोना में, जहां बाबा अहमद अली शाह का उर्स मनाया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे यहां के लोगों से, आखिर उर्स कब से मनाया जा रहा है और क्या इनकी मांग है। क्या नाम है आपका? क्या मानता है बाबा के उर्स को समझ मनाया? ये परसों पहले को मनाया जा रहा है, हिंदू मनाते चले आ रहे हैं। सभी लोग मतलब शामिल रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी शामिल रहते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता है यहाँ पे, और नंबर भी होता है 50,000 आदमी के होता है। और यहाँ पे बैठने उठने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, पतले जमीन में ही बैठ के सब को ही खाना खा लेते हैं। जो बाबा का ही धर्म है, लोग यहाँ पे जो झूठे कपड़े खाते हैं, वो फैसला यहाँ हक होता है और तुरंत फैसला होता है हर दिन के अंदर। और एक नीम फ्री का पेड़ है, जिसमें मतलब फूल आते हैं लेकिन फल नहीं आता है। जो बाबा अहमद शाह करम है, पहले ऐसा चिड़िया बैठती थी, वो गंदगी करती थी, तो बाबा ने हुक्म किया उनसे पेड़ से कि मतलब आप जो है फूल लेंगे फल नहीं लेंगे, इसलिए अब फूल आता है लेकिन फल नहीं आता। क्या नाम है आपका? बाबा के उर्स में आए हैं, बाबा के यहाँ मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मानते हैं, लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं। इस स्थान पर कोई झूठी कसम नहीं खाता, जो भी झूठी कसम खाता है एक हफ्ते के अंदर उसका फैसला बाबा के घर से हो जाता है। जैसा कि यहाँ का लोगों का कहना है कि इस दरगाह पे कोई भी झूठी कसम नहीं खाता है। और आपको बताते हैं कि मूंगफली का पेड़ जो बताया जा रहा है कि इसमें फूल तो आते हैं लेकिन फल नहीं आते, ये मान्यता लगातार दो दिन का जो है उर्स चल रहा है, ये मान्यता भी यहाँ लगातार चल रही है कि उर्स भी वर्षों से मनाया जा रहा है। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए कैमरा पर्सन साहिल साथ मोहम्मद तौफीक। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।